लीजिए दोस्तों, आपकी सेवा में है ताजा तरीन अपडेट कोलार रोड 6 लेनिंग के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 6 लेनिंग हो रही है गोल जोर से भोपाल शहर कोलार गेस्ट हाउस तक, और ये आप मेरे साथ चल रहे हैं गोल जोर से उत्तर दिशा की तरफ अर्थात भोपाल शहर की तरफ कोलार गेस्ट हाउस तक। तो आइए चलें। और यदि आप नए हैं और आपको मालूम नहीं तो ये कोलार रोड 4 लेन का था, इसको 6 लेन का किया जा रहा है। और ना केवल 6 लेन का किया जा रहा है लेकिन पूरा ये सीमेंट कंक्रीट का बन रहा है, और कोई 16-17 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है करीब 222 करोड़ रुपए का, अर्थात हर एक किलोमीटर पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये रोड तो शानदार बनेगा ही। और मैं इस प्रोजेक्ट के और भोपाल के हर प्रोजेक्ट्स के बारे में हर महीने ऐसा अपडेट लाता रहता हूँ। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन या सूचना तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अभी इसी वक्त तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ गोल जोर से आगे तक बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों 6 लेनिंग का काम पूरा हो गया है, एक तरफ 3 लेन और दाहिनी तरफ भी 3 लेन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कहाँ तक कितना हो गया है। चलिए चलें। यहाँ जो ब्रिज बन रहा है इसमें भी काफ़ी प्रगति देखने में आ रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर भी ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। ये सामने वाला ट्रक बहुत धूल उड़ा रहा है, मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा ताकि थोड़ा आगे निकल जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब कर लेने से बहुत अधिक मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मुझे मिलता है। तो ज़रूर से अपना सहयोग प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सारे ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कजरी खेड़ा से आगे भी दाहिनी तरफ का सीमेंट कंक्रीटिंग का काम पूरा हो गया है, और अगर आप देखेंगे बाईं तरफ तो यहाँ पर नए बिजली के खंभे भी लग गए हैं रोशनी के लिए। ध्यान दें कि यहाँ पर रोशनी के लिए रात के समय बिजली के नए खंभे भी और लाइट्स भी लग गई हैं। दोस्तों यहां से आगे कोलार गेस्ट हाउस तक का अपडेट आने वाले एक दो वीडियोस में मैं आपको दूंगा, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।